राजस्थान की गोल्डन सिटी को अलविदा करके अब हम निकल रहे हैं राजस्थान की ब्लू सिटी यानी जोधपुर की ओर। खंबागढ़ी दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्लू सिटी जोधपुर में। और आज हम पहुंच चुके हैं, वी आर राइट इन द फोर्ट ऑफ जोधपुर। 270 किलोमीटर की ड्राइव और कुछ 5.5 से 6 घंटे में हम लोगों ने फाइनली मेड टू जोधपुर। और गाड़ी हमने लगाई है टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग, जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ मेहरानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ राजस्थान, जो कि हमें राजस्थान के रिच हेरिटेज की एक झलक देता है। द फर्स्ट लोकेशन जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है द मेहरानगढ़ फोर्ट, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फोर्ट्स इन एशिया एंड द ओनली फोर्ट इन इंडिया विच इज स्टिल ओन्ड बाय द महाराजा एंड नॉट बाई द गवर्नमेंट। एंड राइट बिहाइंड मी There is the fort on the top, and अब हम fort को enter कर रहे हैं। हमने guide ले लिया है to give you all the good information. So दोस्तों, हमने elevator का ticket लिया है to go up. नहीं, ये elevator राजा ने नहीं लगवाया है। This was installed here in 1995. दोस्तों, जो आपको वो दिख रहे हैं इट ओवर देयर, दैट्स द उमेद भवन पैलेस, जहाँ पे द करंट महाराजा स्टेज, हु इज आल्सो द हेड ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट विच रन्स ऑल दीज फोर्ट। एंड यू कैन सी लुक्स लाइक द ब्लू सिटी, बट दिस इज नॉट द ब्लू सिटी, ब्लू सिटी इज ऑन द अदर साइड। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू सिटी इज कि ब्लू सिटीज में मेजरली सब हिंदूज रहते हैं, एंड यहाँ पे मिक्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे, बिकॉज सो दिस इज नॉट टेक्निकली कैटेगराइज एज वन, बट इट लुक्स ब्लू। एंड यू कैन सी द बाउंड्री वॉल ओवर देयर, you see the walls over there, it looks insane, look at those walls. ये एक लौता ऐसा फोर्ट है जहाँ पे आपको इतनी डाइवर्स चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक्सक्यूजिट आर्टवर्क, डेडिकेटेड मिरर वर्क, लग्जूरियस इंटीरियर, और सबसे इंटरेस्टिंग आर्मरी सेक्शन। यहाँ पे जो भी राजपूत वेपन्स हैं वो हमेशा स्ट्रेट होते थे, और जितने भी मुगल वेपन्स थे वो हमेशा राउंडेड शेप के होते थे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? पुराना समय होता है भाई, हमारे यहाँ शादी हुई थी तो हमारा जो फैमिली है वो दहेज में आए हुए हैं, राजा साहब की शादी हुई थी, अभी तक भी चल रहे हैं, मतलब राजा साहब वो तो आपने आपने कंटिन्यू किया, इट्स बिकॉज ऑफ यू, हाँ जो आपकी चॉइस है, हाँ बिल्कुल, पर वो इनकी भी मेहरबानी है कि रख रहे हैं हमको। तो आप लोग सैलरीज पे रहते हो? सैलरीज पे हो, बढ़िया यार। मतलब पुराने वक्त में नहीं था, फिर बाद में मतलब फादर साहब की वगैरह से। ट्रस्ट मी, राजस्थान हैज माय हार्ट। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ पर राजस्थान जैसा कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ की हिस्ट्री मैंने कहीं नहीं देखी। पर अब टाइम आ चुका है इस फोर्ट को अलविदा बोल के अपने सफर को आगे बढ़ाने का, और वो भी सांस्कार में। नहीं, ये सांस्कार नहीं है, ना ही ये नंदी है। हमारे साथ हमें एक बहुत अच्छे भाई मिले जिनका नाम है महावीर सिंह। महावीर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। एंड महावीर जी been very kind to us. हम इनकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, which is called Pichloy Palace. जो मैं आपको obviously दिखाऊंगा. It's actually a palace. यहाँ के महाराजा का palace है, which is turned into a hotel. So it's a very heritage property. But Mahavir bhai has been very kind to us. और हमें वो ले जा रहे हैं, तो फोर्ट भी वो ले गए थे. And it's fun because we are back in a Thar. तो I think इस vlog के variation के लिए हमेशा एक Thar तो चाहिए होती है, शिवम. बिल्कुल भाई. तो Mahavir bhai, tell us about your company and यहाँ पे in Jodhpur and around राजस्थान, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू हैव? राजस्थान के अंदर 3 प्रॉपर्टीज है इस ग्रुप के पास में। अच्छा, इसमें आपका जयपुर है,
जोधपुर में बिजोलाई पैलेस एंड उदयपुर में आर्टिस्ट हाउस करके हैं। ओह नाइस। हाँ थैंक यू सो मच भाई फॉर टेकिंग अस अराउंड इन योर ब्यूटीफुल कार। इट्स एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द ओल्ड ब्लू सिटी एंड वहाँ पे वी गोना एक्सपीरियंस व्हाई जोधपुर इज कॉल्ड एज द ब्लू सिटी। चलेंगे चलेंगे ब्लू सिटी पे चलेंगे पर आओ एक बार जोधपुर की मार्केट तो घूम ली जाए। आहा क्या बात है। और दोस्तों फाइनली वी मेड इट टू द ओल्ड टाउन ऑफ जोधपुर और हम जा रहे हैं टू द ब्यूटीफुल ब्लू स्ट्रीट्स। आई लव मेरा और शिवम का टायर दोनों ऐसे वैसे एकदम मतलब टूरिस्ट लग रहे हैं बिल्कुल। दूर से देख के बंदा बोले टूरिस्ट है। जब उसकी जेब कतरी ऐसे भागते आएंगे जिन भाई जोधपुर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सरप्राइजिंगली राजस्थान का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है और जोधपुर का जो फोर्ट है वो राजस्थान का सबसे खूबसूरत फोर्ट है जो आकाश में मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया और फील किया। मेरे हिसाब से मैंने आज तक इतना खूबसूरत फोर्ट नहीं देखा और पहली बार मैंने जोधपुर का झंडा भी देखा। देखो पता नहीं था यहाँ का झंडा कैसा दिखता है। तो बहुत अच्छा फोर्ट का नाम लिया और ओरा फोर्ट फोर्ट हो रहा है लेकिन सी राइट ओवर दैट ये क्लॉक टावर भी है गाइस बीच में। घंटाघर पहुंच गए यार। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने जोधपुर की जनता से मिल नहीं पाया इस बार। बहुत टाइट ट्रिप है आपको पता है हमें तो टाइट ही होता है। कभी हम ऐसे नहीं कि हम जगह आए दो तीन दिन हमारे पास और हमारे इतना रैंडम ट्रिप होता है कि हमें पता नहीं चलता कब और कहाँ हम होंगे। तो कुछ प्लान करना भी कैसा नहीं था कल दी नहीं आंटी दो आपसे कैमरा लेकर कैप्चर होगा तो पीछे देखा तो ये है जोधपुर की गलियां जहाँ बच के चले सावधान रहे सतर्क रहे। ये था सावधान इंडिया का 152वां एपिसोड। और तो ये ब्लू स्ट्रीट्स नहीं है। हाँ ये ब्लू स्ट्रीट नहीं है। ब्लू स्ट्रीट यहाँ पे नहीं है। अभी एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है हम दोनों के लिए सरकार ने। अच्छा तो हम वो देखेंगे अभी समझ रही। ये रहा इवेंट VIP। शिवम जा रहे हैं बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं किसी ने रोका नहीं क्योंकि मैं जो हूँ मैं एक VIP मोमेंट हूँ। मैं अपने आप में एक हमारे बीच श्रीमती सूर्यकांता ब्यासी विधायक। थोड़ी देर जोधपुर की मार्केट घूमने के बाद महावीर जी ने हमें फिर उठा लिया और फिर हम गए उस जगह जहाँ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस जगह की खूबसूरती रात में नहीं दिन के उजाले में दिखती है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल हम अब जा रहे हैं अपने आज रात के स्टे पर जो कि है द बिजलोई पैलेस। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बिजलोई पैलेस एंड ये बेसिकली जोधपुर के राजा की प्रॉपर्टी है विच वी आर स्टेइंग एट। सो भाई टेल अस अगर किसी को ये बुक करनी हो हाउ शुड दे गो अबाउट इट लाइक शुड दे गो ऑन booking.com और एनी पर्टिकुलर वेबसाइट जो इस प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी की खुद की वेबसाइट है आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगी ये प्रॉपर्टी। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ वी आर हेडिंग अप टू द रूफ टॉप एरिया ऑफ द पैलेस जहाँ पे हमारा आज का डिनर सेटअप किया गया है और आई जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू लेंस। दिस इज द 24mm f/1.4। रात को इस लेंस का असली मज़ा आता है। बट या यू कैन सी दिस इज द ऑसम डाइनिंग एरिया प्योरली सेटअप फॉर अस फॉर टुनाइट। आई डिनर तैयार है जी। कहाँ पे हैं हम? यहाँ पे आइए आइए। यू कैन सी वी ऑन द रूफ टॉप। बहुत क्यूट सा सेटअप है एंड कैंडल लाइट डिनर लॉन्डो के बीच में फुल पावर फील होनी चाहिए। आइए महावीर जी लेट्स सेट एंड हैव आवर कैंडललाइट डिनर क्विकली। और इतना ही नहीं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ विच इज राइट बिहाइंड मी। डू यू सी दैट अमेजिंग वाटर दैट इज ऑल रिजर्वायर एंड पानी ऑलमोस्ट ऊपर तक भर जाता है एंड यहाँ पे लग्जरी टेंट्स भी लगते हैं। अभी हटाए हुए हैं बिकॉज ऑफ द समर्स बट दे विल बी बैक एंड दिस इज ऑल प्राइवेट एंड देन देयर इज यू सी एंड लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई एंड द स्टार्स लुक्स माइंड ब्लोइंग। हम बोट पे जाने वाले हैं इन द लेक टू हैव फन बट राइट बिहाइंड मी इफ यू कैन सी ओवर देयर दैट्स द बिजलोई माता का मंदिर राइट बिहाइंड मी ओवर देयर और ऊपर एक एयरफोर्स का रेडार भी है सो इट्स क्वाइट नाइस एंड क्रेजी एंड नाउ यू गोना टेक द बोट्स एंड गो इन द प्राइवेट रिवर एंड हैव अ गुड टाइम एट नाइट अंडर द स्टार्स। आप ऊपर देख सकते हो तारे कितने बढ़िया दिख रहे हैं। मैं तो दोस्तों से मिलने जा रहा हूं बतकों से बैठी हुई मैंने माई सखी महावीर भाई इज विद अस। ही इज हेल्पिंग अस आउट गिविंग अस अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच महावीर भाई। आ जाओ शिवम लेट्स गो बॉय। उधर बैठना है तुम्हें। तुम कहाँ आ रहे हो मेरे पास? उधर से जाओ। शिवम इज हियर गाइस। क्या दिख रहा है यार शिवम इस लेंस में? तो भाई अलग ही क्लैरिटी आ रही है मतलब जिंदगी का देखना मौज। चलो भाई एक बार करो लगा दो। हरिओम तो शिवम हटा रोड से दो। हाँ वही भाई तुम चलो बैक पैडल रुको रुको। हाँ हाँ हाँ
तो मैं ये संभाल लेता हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। बताओ कहाँ बच्चों के पास जाना। तो शिवम हम लोग सो निकल रहे हैं आसमान की ऊंचाई को छूने, मैं और शिवम अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना है। तो हमने डिसाइड किया है कि अब से हमने रूबीकॉन छोड़ दिया है एंड दिस इज आवर न्यू राइड, बतकों के पास जाना है हमें राइट ओवर देयर। कैसा फील हो रहा है शिवम? आहा क्या बात, आहा नहीं। तो दोस्तों पेश एक खिदमत है बिजलोई पैलेस, और अब तक आपको पता लग गया होगा कि आकाश भाई कहां से आएंगे, ऊपर से। दोस्तों वी हैव रीच्ड टू दिस प्लेस, अगले दिन अब आज सुबह फिर आगे हम ब्लू स्ट्रीट्स नहीं देख पाए थे। दिस इज कॉल्ड द तू जी का झालरा, बेसिकली इट्स अ वाटर स्टेयरवे वेल। आप देख सकते हो देयर इज द फोर्ट राइट बिहाइंड दिस, आप देख सकते हो लॉन्डे आर बेदिंग है नाइसली। तो बंदी को पहनने नहीं आता, उसको ट्यूब में बहुत 400 कुछ के पानी में तरवा रहा है, पानी का है और क्या चाहिए लाइफ में। टेक्निकलिटी ये है कि ये सरकार के हिसाब से डूइंग दिस इज नॉट अलाउड, बट ये लोकल्स है तो दे कैन डू इट। कैन वी डू इट, शुड वी डू इट? नो, लोकल को जो करना है करना है, तो ये उनका एरिया है, उनकी घर की रस्ती है, हमारी नहीं है। तो हम लोग नहीं कूदने वाले हैं पानी पे, बट आई लव टू यहाँ से स्ट्रेट देयर। मन तो कर रहा है इतनी गर्मी में शिवम है, बोले 400 फीट से नहीं हो तो आप पानी देख रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट 100 meters इन फॉर आप लोग यू गो इनसाइड इन 100 meters। इसके मैं लिविंग स्पेसिफिकली है and this was the source of water to Mehrangarh fort. Ab hum jayenge into the blue streets and we will experience what it feels to be all blue. But gaadi mein street explore karna is not the right way, isliye Shivam mera pichwara bahut bada hai dost, to tumhe thoda aage hoke baithna padega bada ho to dosto ab kyunki Rubicon ko hum ghusa nahi sakte the old street pe, to hum aaye Thar mein, ab Thar nahi ja sakte, new street mein hum ja rahe hain। जाओ दोस्तों, गुड ओल्ड दोस्त की तरह। हाँ थोड़ी मैं डिग्गी आगे रखना। ओके 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 ओले ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी शिवम। हाँ भाई चलो चलें एक्सप्लोर करने। एंटरिंग द ब्लू स्ट्रीट्स ऑफ जोधपुर, आप देख सकते हैं राइट बिहाइंड मी आर समथिंग ब्लू एंड नाइस। मिर्ची बड़ी नहीं खाए ऐसे कैसे हो सकता है। महावीर भाई हमारे जोधपुर छोड़ने से पहले हमें शिवम को मौत का फरमान देने के लिए मिर्ची बड़े ले आए हैं। शिवम ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मैं इन मिर्चियों को सीधा अपने मुंह से पकड़ लूंगा। गाइस चलो मिर्ची वड़ा, तो हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मिर्ची वड़ा की, वन ऑफ द बेस्ट मिर्ची वड़ा ऑफ जोधपुर एंड इंडिया। दिन में 20 लाख की सेल करने वाला मिर्ची इकलौता एक रेस्टोरेंट। क्या नाम है इनका? सूर्य नमकीन। ये 20 लाख लगाते हैं, मैं अपनी होर्डिंग अच्छी लगा रही है, इनको हम फीडबैक देना चाहते हैं। गाइस आपकी दुकान लग नहीं रही है 20 लाख बर्थडे वाली। ये सब में डायनासोर ही लग रहा है ब्रो। महावीर भाई आपको मिर्ची वड़ा कैसा लगता है? आपका इसमें मिर्ची होती है? ये IIT का सवाल, क्या मिर्ची वड़ा में मिर्ची होती है? तो इसको खोलो फिर एक बार। अरे अरे भाई इसमें तो मसाला भी है। लेकिन और रुक जा पाव तो लगा ले, पाव अंदर होगा। नहीं मैं होटल के नहीं लेके आया ना भाई। वो अच्छा वहाँ खाने थे। नहीं आप ट्राई करो ना, इतनी ज़्यादा नहीं, हल्का सा ट्राई करना। हम होटल में ही खाएंगे, मैं तभी लेके आया हूँ। हमने मिर्ची वड़ा का पहला बाइट मारते हुए शिवम की आंखों में से आंसू आते हुए शिवम चीटिंग करते हुए साले ने मिर्ची अंदर छोड़ दी, बाहर का मैदा लपेट रहा है। चीटर। बेसन और मसाला बीच में मिर्ची, ये तो इन्नी सही जाएगी शिवम। देख रहे हो लेयर्स,
अंदर बाहर बेसन अंदर फोकस नहीं होगा अच्छे से दिखा बाहर बेसन अंदर मसाला और फिर मिर्च और मिर्च, मसाले मिर्च, में भी मिर्च और मिर्च वड़ा तो आई तो मिर्च तो वाओ तो मिर्च वड़े के साथ नाउ लेट्स गेट बैक टू रूबी एंड कंटिन्यू आवर ट्रिप दोस्तों आप सबका स्वागत है वापस डैश कैम में और फाइनली वी आर बैक इन आवर रूबीकॉन हमने थार को गुड बाय बोल दिया एंड ऑल्सो वी हैव सेड आवर गुड बायज आफ्टर हैविंग सम ऑसम मिर्ची वड़ा इन जोधपुर हमने जोधपुर भी गुड बाय बोल दिया जोधपुर मैंने नहीं खाया भाई तुमने बाइट तो लिया था सॉरी मतलब मिर्ची नहीं खाई ना क्यों नहीं खाई भाई नहीं खा सकता डर लग रहा था नहीं मैं मिर्ची खा लूँगा पर उसके आफ्टर इफेक्ट अच्छे नहीं होते आई फील तो यार तुझसे पूछा जाए यार व्हाट इज़ द परसेप्शन अबाउट जोधपुर हाउ डू यू फील अबाउट इट भाई जोधपुर पर्सनली आई हैव नेवर सीन एज गॉर्जियस फोर्ट इन एंटायर राजस्थान सो दिस फोर्ट इज समथिंग जो पीपल शुड डेफिनेटली कम अप एंड सी द हिस्टोरिकल वाइब्स ऑफ जोधपुर एंड इफ यू आस्क मी अबाउट द ब्लू सिटी तो वो ब्लू बहुत कम पोर्शन है भाई इंस्टाग्राम में जो हम देखते हैं जो भी इंस्टाग्रामेबल चीज़ें हमने देखी है कि ब्लू सिटी जोधपुर है ब्लू सिटी डेफिनेटली है बट जैसे इंस्टाग्राम में पूरा ही ब्लू दिखता है उतना ब्लू नहीं है बहुत बड़ी सिटी है और ब्लू पोर्शन ओल्ड सिटी में है तो वो भी आपकी गलियों में बिट्स एंड पीसेस में तो क्लैरिटी मैं ये दूंगा कि ऐसा सोच के मत जाना कि ब्लू सिटी जैसे गोल्डन सिटी जैसलमेर है तो वो गोल्डन है पूरा पिंक सिटी जयपुर है तो वो मार्केट वाला एरिया बहुत लंबा पिंक जैसा आपको लगता है यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं जो कि हम दोनों बार बार ये कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि हम दोनों ने तो जो पिक्चर्स देखी थी वो थोड़ी सी ऐसी थी कि भाई ब्लू एज फक बट मैं ये नहीं बोलूंगा ब्लू नहीं है वो ब्लू वाइब के लिए आपको ओल्ड सिटी की गलियों में घूमना पड़ेगा हाँ घूमना पड़ेगा अंदर जाना पड़ेगा वी ऑल्सो डिडंट एक्सप्लोर दैट मच बट देन अगेन आई एग्री वी फाउंड डिसेंट की जबरदस्ती ब्लू किया हुआ लग रहा था ऐसे लग रहा था कि वो नेचुरली था नेचुरली ब्लू क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि भाई अब लोग घर बनाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं प्रायोरिटी ओल्ड सिटी में तो लॉ बना दिया है कि आपको ब्लू ही करना लेकिन फिर भी ओल्ड सिटी में इतने ब्लू नहीं ना दिखे प्रॉब्लम हो शायद वो लॉ को फॉलो किया जाए लेटर ऑन वो जरूरी बात है मेरे हिसाब से ये व्लॉग के थ्रू अगर कोई भी सुन रहे तो मतलब कोई भी अब बड़ा आदमी सुन ले तो अच्छी बात है जो इस पॉलिटिकल उसमें वो तो इस चीज़ को ऊपर लाया जाए क्यों आकाश में आई थिंक क्योंकि हम लोग ट्रेवल करते हैं ना तो एक जगह की वाइब होती है तो जोधपुर हमारे दिमाग में ना ब्लू सिटी जैसलमेर गोल्डन था वो गोल्डन ना क्योंकि वहाँ पे गोल्डन पत्थर है वही पत्थर है उसी की कंस्ट्रक्शन है अब जोधपुर बहुत सुंदर सिटी है किला बहुत ही ग्रैंड है क्या किला मैं कह रहा हूँ राजस्थानी फिल्म में जो सेट्स नहीं होते हैं जोधाबाद अकबर वगैरह में कि वहाँ फुल पावर ही किला है वैसा था और मतलब कोर्टयार्ड मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी चीजें देखी है जो बहुत ही शाही थी मतलब बहुत शाही जैसे हमारे यहाँ भी लोगों के पास गाड़ियों की कलेक्शन होती है लिटरली उस टाइम पे उनके पास कलेक्शन थी हर हाथियों के ऊपर जो पालकी रखते हैं उसकी नेक्स्ट लेवल कलेक्शन गेस्ट के लिए अलग बच्चों के लिए अलग तो आई थिंक जोधपुर हैड इट ओन चार्म एन अमेजिंग एफर्ट मजा आया दो दिन काट के आज नहीं जोधपुर अगर मेरे से वैसे ये तो मैंने चलो वो ब्लू सिटी पर्सपेक्टिव बता दी कि इंस्टा पे जो हमको दिखता है वैसा नहीं है वैसा आपको ढूंढना पड़ेगा दिखेगा ब्लू पैचेस दिखेंगे लेकिन उसके अलावा मैं जोधपुर के बारे में बताता हूँ जोधपुर बहुत अच्छी जगह सबसे बढ़िया बात जहाँ हम रुके थे वो बहुत अच्छी जगह वो था वो था जंगल के बीच में वो था हेरिटेज प्रॉपर्टी तो वहाँ एकदम राजो वाली वाइब वाली शहर वाले फील में रहे थे हम कम मतलब प्रॉपर शाही वाइब थी मतलब अच्छा था रात को प्राइवेट लेक पे बैठ के मैंने और शिवम ने डिनर का सेवन किया प्राइवेट लेक में भाई लिटरली मजा आ गया बोट पे बैठ के 40 फीट गहरी लेक है मैन मेड लेक है पीछे लेकिन बहुत अच्छी है वहाँ पे थे कॉसाई डक्स आई थिंक प्रॉपर्टी वॉज अमेजिंग बिजलॉय पैलेस मस्ट रिकमेंड इफ यू कम टू जोधपुर आई वुड टू से नॉट ठीक है थोड़ा सा इशू भी मुझे लगा बिजलॉय में दैट वाज ओनली द नेटवर्क पार्ट बट पीछे उसका ग्रेडर है अगर आप एक्सपीरियंस करने चाहते हो तो बिजलॉय से अच्छा कुछ नहीं नेटवर्क नहीं है वहाँ मतलब आपका इंटरनेट भी चलेगा तो वो आप उस चीज से उठ जाओगे थोड़ा कि चलो नेट नहीं चल रहा अब कुछ आगे का लेट्स लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स एंड देन यू विल एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम गेट आउट ऑफ योर फोन बट ओवरऑल आई वुड स्टिल से दैट राजस्थान इस टाइम पे बताओ बिकॉज ऑफ सीजन की वजह से दो आपको वीडियोज बनाने में आसानी हो जाएगी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होंगे पर कॉन्टेंट पॉइंट इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दिस साइट आउट बट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट जैसलमेर फोर्ट वॉज डेड टेक्निकली वहाँ पे ना म्यूजिशियंस बैठे होते हैं लोग नाच रहे होते हैं पपेट शोज हो रहे होते हैं अ लॉट ऑफ कल्चरल थिंग्स आर हैपनिंग इन द कलिया विच वॉज नॉट हैपनिंग दिस टाइम ठीक है दूसरा मतलब जैसलमेर भी मैं गया हूँ
हमें बहुत हैपनिंग सीन होता था, अभी खाली था पूरा, जब हम गए खाली था, बिल्कुल खाली यार, बंदे नहीं है, कैफे खाली पड़े हैं, ठीक है, कैफे वाले हमने फोर्ट के अंदर मेन पार्किंग में गाड़ी पार्क करी है, मतलब बाहर कहीं लगा के पैदल जाके चढ़ना पड़ता है, मतलब इतना, मतलब ये प्रिविलेज आपको सिर्फ ऑफ सीजन में मिल सकता है अगर आपको रियली एक्सप्लोर करना है तो। देखो गर्मी झेल सकते हो तो हाइड्रेटेड रहो और कपड़े ऐसे लो कि गर्मी इतनी ज़्यादा फील ना हो, लाइट कपड़े पहनो, पूरा कवर हो जाओ मेरी तरह अगर हो सकते हो तो, भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सप्लोर करो। सही बात, गर्मी अडेप्ट हो जाती है, मतलब हम लोग तो गर्मी अडेप्ट कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब अभी बाहर जाना पड़े धूप में तो जा सकते हैं, जैसे पहले दिन खौफ था, 43 है बाहर अभी, पहले दिन डर लग रहा था, पर हम डर डूर वाला फैक्टर है भी। अब पता है कि बचना जरूरी है, जितना बच पाओ वरना नहीं बच पाओ, चाहे अब हम निकल रहे हैं अपने लास्ट लेग ऑफ ट्रिप जो कि है जोधपुर से स्ट्रेट बैक टू गुरुग्राम, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 600 किलोमीटर और कुछ 10 घंटे की ड्राइव। आई थिंक ओवरऑल बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है व्हेन वी लुक एट हाउ लकी वी आर इन टर्म्स ऑफ, ब्लेस्ड वी आर इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑल्सो इट ऑल्सो वेरी बिग लर्निंग कि यार अपना देश देखने में जो इमोशनल वैल्यू है ना वो इंटरनेशनल पुण्य कमी नहीं हो सकता है, यू नो दैट फीलिंग कि हाँ चलिए दे माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अस बट यार रहेंगे। डेफिनेटली सी हाउ इट वर्क्स इज कि जब हम किसी भी स्टेट में मैं ऐसे ही ज़्यादा बोल देता हूँ ना, हम 200 किलोमीटर इंडिया में कहीं भी चले जाएँ तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है, लोगों का रहने का तरीका बदल जाता है। हिमाचल के अंदर की मैं बात करूँ तो अभी तो हम राजस्थान है, फिर हम भाई और मैं प्लान कर रहे हैं हम साउथ जाएंगे, बहुत कुछ ट्रैवल कर रहे हैं आप सबके लिए, तो अगर हम साउथ गए तो वो हमारे लिए एक फॉरेन लैंड ही है, क्योंकि हमारे को जो लैंग्वेज हमारी उनको समझ नहीं आएगी, उनको हमारी नहीं आएगी, फिर भी एक दिल में बात होगी कि हम इंडियन हैं। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इंडिया, मतलब एवरी प्लेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ वट एवर कल्चर दे हैव, मतलब इंडिया इज़ ए कंट्री विद मल्टीपल कंट्रीज, This is what I believe, my absolute Sky का आपसे एक वादा है कि इस साल मैं आपको इंडिया अपने लेंस से दिखाऊंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि आपने अपना इंडिया ऐसा कभी नहीं देखा या सोचा होगा। पर फिलहाल अब हम अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं वाया द न्यूएस्ट दिल्ली मुंबई हाईवे। दोस्तों फाइनली वी हैव क्लाइम्ड द न्यूएस्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसका ये जयपुर सेक्शन है, एंड दिस विल सेव ऑलमोस्ट 1 आवर फ्रॉम आर ट्रिप, जिसने कुछ किलोमीटर्स तो डेफिनेटली ऐड कर दिए। सुकून की बात है ना कि एक हाईवे जो आपका स्ट्रेस खत्म कर दे, लेकिन हमारा स्ट्रेस अभी भी बढ़ा हो, क्योंकि गाड़ी चली गई हमारी रिजर्व पे और हमने एक चीज सीखी, जब नया हाईवे बनता है तो उसमें एक भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता है और हमारा अभी फ्यूल हो चुका है खत्म और गाड़ी चलेगी 20-30 किलोमीटर, तो मेरे को एक मिला है जो 13 मिनट और 14 किलोमीटर में दिखा रहा है जो मैं खोल के बैठा हूँ यहाँ पे, तो हम चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी चाहे रॉन्ग वे ले जानी पड़े, फुटपाथ चढ़ानी पड़े, लेके तो जानी पड़ेगी, नीचे नहीं खड़े हो जाएंगे। बट एक्सप्रेस वे फीडबैक काफ़ी अच्छा, एक्सप्रेस वे 6 लेन है, सीमेंटेड रोड्स हैं, तो आई थिंक हीटिंग की प्रॉब्लम होगी अगर आप यहाँ ओवर स्पीड करोगे तो, टारमैक नहीं है, 100 की स्पीड लिमिट है, हम जा रहे हैं 100 पे, वेल एंड गुड। हम लोग बाईपास कर रहे हैं पूरा जयपुर, ऑन द लेफ्ट इज द जयपुर, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी मेरे जयपुर के दोस्तों, हम जयपुर नहीं आ पाए, दो रीज़न क्यों, जयपुर बहुत बार कर चुके हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रहा जयपुर करने में, एंड नंबर 2 इज़ बिकॉज अगेन द ट्रिप इज शॉर्ट, एंड हम जब इंडिया टूर स्टार्ट करेंगे दैन दैट टाइम वी विल एंटर ऑल दीज प्लेसेज अगैन, तो हमारा वो ब्राइटनरी कुछ ऐसी होगी कि वी विल एक्सप्लोर एज मच एज वी कैन। बट डूड इज बीइंग ऑसम, घर अब 300 किलोमीटर है, हमारा ईटी है अब 9:15 हो चुका है even after stopping, तो it's good. शिवम ये चाचा ये शुक्र है हमने देख लिया सही टाइम पे, सॉरी दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव टर्न था, पेट्रोल पम्प दिख ही गया मुझे, मैंने ही पूरे गेड़े में मोड़ दी गाड़ी, ठीक है। सो वी रीच द पेट्रोल पम्प, पेट्रोल पम्प देखो आप, तेल भरवाना बहुत ज़रूरी है, एंड उम्मीद करते हैं यार थोड़ा हमको बढ़िया मिले तेल, ये तेल, ये पप्पी, ये डीजल पेट्रोल, ओ ये पेट्रोल, और पेट्रोल भरवाने के बाद अराउंड 9 बजे हम पहुंचते हैं होम स्वीट होम। कौन आया, कौन आया, कौन आया, हेलो हेलो हेलो, कौन आया, कौन आया, कौन आया, चलो शिवम पे टक करो, शिवम पे टक करो, नवाब नवाब
अरे अटैक करो मत बोलो क्या पता सही में उसने कहीं मुच दे दी मुची मुच के ही तो मजा है ना ना फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैक टू बेस गुड़गांव किल्ड इट 2200 किलोमीटर गाड़ी ने 9 का एवरेज दिया रूबीकॉन ने मजा आ गया क्या मन्नू भाई शिवम अगर तुम द फील ऑफ दिस प्लेस राइट नाउ 22 डिग्रीज जहाँ भी पानी बहती है वहाँ पे क्या दिखता है कुछ झरना चलो बैठ के दिखाना शिवम ओह माय गॉड वी फाइनली मेड इट टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिस इज कॉल्ड द तूजी का छालरा शिवम चलो चले एक्सप्लोर करने आगे के दोनों टायर का स्वे बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा सा आर्टिकुलेशन बढ़ जाएगी पाकिस्तानी ने जितना भी बम फेंके थे ना वो एक भी नहीं टूटा इस आसपास के एरिया में हमने रूबीकॉन छोड़ दिया है एंड दिस इज आवर न्यू राइड Good to be back. Welcome. All right. Good to be back. Good to be back. बहुत बढ़िया जा रहे हैं सर्विस स्टेशन सुबह सर्विस दिन जा रहे हैं बट दोस्तों दिस इज वेयर द व्लॉग्स ऑफ राजस्थान फाइनली कम टू एन एंड शुक्रिया आप सबका इतना प्यार और सत्कार देने के लिए ऑलवेज एन ऑनर थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जैसे हमेशा कहता हूँ आप हो तो हमें और हमें तो जहाँ विद आवर रूबीकॉन वी आर फाइनली डन 2200 किलोमीटर्स ऑफ राजस्थान जस्ट फॉर यू गाइस कीप लविंग कीप सपोर्टिंग जय हिंद